वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। आज हम लोग दो स्टॉक देखने वाले हैं जो कि कल स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी परफेक्ट पोजीशन में है गाइस। तो जो पहला स्टॉक हम लोग अभी देखेंगे वो है काला मंदिर। साई सिल्क का नाम पे भी ये शेयर एनएससी में रजिस्टर है। आप लोग साई सिल्क या काला मंदिर जो भी नाम से सर्च करके आपको मिल जाएगा ये शेयर। ये शेयर का गाइस पहले हम लोग वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। वीकली चार्ट के चार्ट में क्या चल रहा है ये शेयर का प्राइस। ये शेयर गाइस आप लोग देख सकते हो कितना से गिर रहा है। 308 का उसने हाई लगाया था। 308 का ये शेयर एनएससी में रजिस्टर होने के बाद 308 का हाई लगा के वहाँ से कंटिन्यूअस गिर रहा है। और जब भी गिर रहा है आप लोग एक चीज़ देखो, इतना ऊपर से गिर रहा है। यहाँ में फर्स्ट सपोर्ट लिया था कितना, 238 पे। सपोर्ट लेने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आया और उसने आपका लो, उसने लास्ट अपना जो लो था उसको ब्रेक करके आके फिर से यहाँ में कितना में सपोर्ट लिया, 167। 167 से उसका फिर से पुल बैक हुआ। पुल बैक होकर लास्ट लो को सस्टेन कर नहीं पाया। लास्ट लो को फिर से ब्रेकआउट करके उसने कितना, 142 का नया लो लगाया। 142 से फिर से पुल बैक हुआ और होके फिर से जो नीचे में आया था रिट्रेसमेंट में फिर से उसने आके 144 पे उसने अपना फर्स्ट सपोर्ट लिया। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जितना टाइम ये ऊपर से गिर रहा था अपना नीचे का लो को कंटिन्यूअस ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे भी देखो अपना लो को ब्रेक किया और यहाँ पे भी आप लोग फिर से देखो उसका नीचे का जो लो था उसको ब्रेक किया। कंटिन्यूअस नीचे का लोअर लो लगा रहा था लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ ये, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट टाइम ये शेयर ने यहाँ पे अपना लो को सस्टेन किया। ये जो पहले का जो लो था ये वाला मैं मार्क करता हूँ, देखना ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें आप लोग देखो, लो को सस्टेन किया है उसने। लो अपना नया लो को जो ब्रेक नहीं किया है उसने, यहाँ पे सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद यहाँ से उसने पुल बैक दिया, देने के बाद कितना गया, 194, 200 का उसने मतलब रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से 200 से फिर से पुल बैक नीचे में आके 153 में सपोर्ट लिया। यहाँ पे और एक चीज नोटिस करो, देखो ये फर्स्ट लो था इसको ब्रेक कर नहीं पाया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है नीचे का अपना लो को सस्टेन कर रहा है। पहले अपना लो ब्रेक कर रहा था, अभी लो सस्टेन कर रहा है। ये तो चीज़ हम लोग समझ लिए 1 वीक का कैंडल पे। अभी मैं और एक चीज दिखाता हूँ आपको डे कैंडल में। इस शेयर का डे कैंडल में गाइस आप लोग देखिए, ये शेयर जो गिर रहा था ना नीचे से, यहाँ पे पहले सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन में मार्क किया हुआ है बहुत लॉन्ग टाइम का सपोर्ट का मैं मार्क करके रखा हुई है। आप लोग एक चीज़ देखो इस शेयर को जो डेली कैंडल में, हाँ, जब नीचे से यहाँ से गिर रहा था आके यहाँ में इसने गिर के सपोर्ट लिया था 165 से, और 165 से जो पुल बैक किया था उसने 177 पे रेजिस्टेंस लेके गिरा यहाँ पे पुल फिर से। हाँ, गिनने के बाद अभी देखो, यहाँ से गिनने के बाद डे का कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल का बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ये ग्रीन कैंडल का बात कर रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल में बायर लोगों ने फिर से पुल बैक किया। करने के बाद यहाँ पे सेलर फिर से आए थे, सेलर इस जोन पे, सेलर लोगों ने इतना लेकिन हैवी सेलिंग नहीं हुआ, अपना लो को लोग ब्रेक कर नहीं पाया, लो सस्टेन हो गया। अभी फिर से यहाँ में बायर लोगों ने पुल बैक किया है और आज देखिए गाइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ऊपर में, नीचे में नहीं आया, ऊपर में सस्टेन कर रहा है ये कैंडल। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैंडल हम कितना में कल एंट्री करेंगे, एग्जिट स्टॉप लॉस हम लोग देख लेते हैं इसका। कल गाइस ये कैंडल हम लोग 174, ये जो हाई जो ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये जो ये वाला ये इसका इस कैंडल का हाई देखिए 173.80 आ रहा है। हम लोग 174 ब्रेकआउट पे इसको हम लोग बाई करेंगे कल ये, और हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग ये रेड कैंडल का नीचे में रखेंगे 158 का। 158 का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रख के चलेंगे इस शेयर में, और हम लोग का बाय रहेगा अपना 174 ब्रेकआउट पे बाय रहेगा 158 का स्टॉप लॉस। और हम लोग जो इसको जो फर्स्ट टारगेट रख के चलेंगे वो है गाइस 190 का टारगेट रख के चलेंगे इस शेयर में हम लोग। और गाइस मैं आप लोगों को जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ या क्यों करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग कल का वीडियो जाकर एक बार चेक कर लेना, मैं जितना जितना लेवल मार्क किया हूँ, जो जो नंबर मतलब जितना लेवल पे आप लोगों को बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस बोला हूँ, आप लोग देखना मार्केट एक्जैक्टली उसी को फॉलो किया है। और आज कल जिसने जिसने वो वीडियो देख के बाय किया वो लोग अभी प्रॉफिट में ही होंगे 10-12 पॉइंट। तो ये शेयर का तो फर्स्ट शेयर था, ये हो गया हम लोगों का, मैंने ये जो मार्क किया है आप लोग देख लेना अच्छे से वीडियो को, पहले बाद में समझ में आ जाएगा। और सेकेंड शेयर जो हम लोग बात करेंगे वो है गाइस एनएमडीसी। एनएमडीसी भी एक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। अभी इसका वीकली कैंडल आप लोग देखते हैं, देखो इसका वीकली कैंडल में, ये वीकली कैंडल में अगर देखने से मार्केट जो इतना दिन से गिर रहा था वहाँ में इसका डाउन चल रहा था डाउनफॉल, और यहाँ से पुल बैक दिया कितना में, 206 से सपोर्ट लेके इसने पुल बैक दिया था। पुल बैक देके फिर से आके कितना में, 210 पे उसने अपना सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाकर यहाँ से पुल बैक देने के लिए अभी ट्राई कर रहा है ये। हाँ, ये हम लोग वीकली कैंडल में देख रहे हैं गाइस, और वीकली कैंडल में आप लोग देखिए ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। अभी डब्ल्यू पैटर्न बनने का पोजिशन में है अभी ये। और देखिए वीकली कैंडल में ये जो रेड कैंडल है इसका, आज का जो ये जो इस वीक का 2 दिन का जो कैंडल है ऑलरेडी इनसाइड कैंडल बना रहा है ये। और अगर डेली कैंडल में देखें तो अभी सबसे समझ में आएगा आप लोगों को, डेली कैंडल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से जो सेलर आए थे, यहाँ में यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए थे आके यहाँ में नया लो, ये लो बनाया था, यहाँ से पुल बैक आया था, फिर से पुल बैक के बाद डाउनफॉल में इस लो को सस्टेन किया। और एक चीज़ यहाँ में और एक आप लोग नोटिस करो, ये वाला जोन को देखो, ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है,
इस वाला जोन को आप लोग देख सकते हो, ये कंटिन्यूअस सपोर्ट जोन है। जब भी इस जोन पे गिरा है यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए, जब भी गिरा है बायर एक्टिवेट हुए। और इस टाइम भी देखो, जब भी यहाँ मैं इस जोन पे आया बायर एक्टिवेट होकर, बायर ने ऊपर में पुश किया करके, यहाँ पे देखिए ये जो आज का जो कैंडल बना है, ये कैंडल क्या बना है, आज डोजी टाइप का कैंडल बना है यहाँ पे। वो भी देखो इस कैंडल को स्टार्टिंग में मार्केट नीचे में देखो सेलर लोगों ने पुश किया था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग में देखो बायर कितने एक्टिवेट हुए है, बायर मार्केट पूरा नीचे से पुल अप करके इसको डोजी टाइप का बना दिया है। और उसका पहले का ग्रीन कैंडल भी देखो कितना हैवी हैवी वॉल्यूम से बाइंग हुआ था। तो कल हम लोग इसको गाइज इसका इसका ये जो आज का जो डोजी कैंडल है, इसी कैंडल का हाई पे ब्रेकआउट करने से हम लोग बाई करेंगे। कितना लेवल में, ये लेवल है हम लोग का 228 ना, 228 का जो ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग इसको बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस गाइस हम लोग कितना में रखेंगे, इस रेड कैंडल का नीचे में 215 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, 215 का, कम से कम 18 पॉइंट ऐसा ऐसा स्टॉप लॉस आ रहा है। और इसको हम लोग फर्स्ट टारगेट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे गाइस 250 का टारगेट रख के चलेंगे। ये जो मेटेरियल लाइन मार्क किया वो 250 का टारगेट रख के चलेंगे, क्योंकि देखिए जब भी ये जो अभी जो डोजी कैंडल बनाया है उसका पहले का कैंडल हैवी ग्रीन कैंडल था, पूरा बायर का हैवी कैंडल था। और ये डोजी अभी डोजी वन टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल ही बनाया है डोजी, अगर कल इसका ब्रेकआउट देता है ना, ये जो इस लेवल पे जो लोग सेल किए हैं, यहाँ पे जो लोग सेल किए हैं, इन लोग का स्टॉप लॉस ऑलरेडी हंड करने के लिए ऊपर में आएगा। इसलिए हम लोग 250 का टारगेट लेके चलेंगे, हम लोग का एंट्री रहेगा 228 का और स्टॉप लॉस रहेगा 215 का। अगर गाइज आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और पहले का जो वीडियो है गाइज वो लोग भी आप लोग जाकर एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वो शेयर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ वही शेयर आप लोग को देता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।